हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 सीरीज खेली जाएगी, उसका जो पहला मैच आज खेला जाएगा उस मैच के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। हर एक प्लेयर का आपको हेड टू हेड में और ग्राउंड पर रिकॉर्ड बताऊंगा। बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। और इस मैच की जो 6 ग्रैंड लीग की टीम होगी वो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और वहीं पर आपको स्मॉल लीग की टीम भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बात करेंगे मैच के बारे में। 7 बजे मैच स्टार्ट होगा शाम को। सबसे बड़ी टीम इंडिया की तरफ से न्यूज़ ये आ रही है कि केएल राहुल और कुलदीप यादव दोनों जो हैं इस सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं इंजरीज की वजह से। तो ये दोनों बड़े प्लेयर आपको इस सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज़ अब तक नहीं है। आज का जो मैच होगा वो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, ये मैच होगा। और पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। बॉलर्स को यहाँ पर, फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर बैट्समैन डोमिनेशन करते हैं क्योंकि ग्राउंड का साइज छोटा है पहली बात, और दूसरी बात जो विकेट है ना वो काफ़ी कड़क हैं, तो शॉट बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर। एवरेज स्कोर 170 से 200 के बीच में जनरली यहाँ पर बनता है। दोनों टीमों के बीच में 15 मैचेस हुए हैं, इंडिया ने 9 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 6 जीते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अभी इंडिया के 5 से 7 बड़े प्लेयर अवेलेबल नहीं है इस सीरीज में। पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका की टीम की। तो साउथ अफ्रीका की जो टीम है यहाँ से देखो, क्विंटन डिकॉक तो कन्फर्म ओपन करेंगे, लेकिन इनके साथ ना दो और बंदे हैं रीजा हेनरिक्स के अलावा जो ओपन कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो एडन मार्करम है और दूसरा है टेम्बा बाउमा। तो देखने वाला इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगा कि साउथ अफ्रीका की टीम का बैटिंग ऑर्डर क्या आता है, उस पर ये गेम बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, स्पेशली ग्रैंड लीग में। तो अभी के लिए मैंने माना है कि जो क्विंटन डिकॉक और रीजा हेनरिक्स है ना वो ओपन करेंगे। और ये मैंने किस हिसाब से माना है, क्योंकि अगर आपने इनका वर्ल्ड कप का जो लास्ट T20 मैच हुआ था जो इनकी टीम ने खेला था वहाँ पर यही इनका बैटिंग ऑर्डर था, तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्विंटन डिकॉक की बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, गजब की फॉर्म से गए हैं IPL से, 100 भी लगाया था IPL में, आपको पता होगा। हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 137 रन है, बहुत पसंद है इंडिया के खिलाफ खेलना। और अरुण जेटली स्टेडियम पर 12 मैच में 309 रन है, तो डिकॉक को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। रीजा हेनरिक्स की बात करूं, इंडिया के खिलाफ 5 मैच में 137 रन, 27 का एवरेज है। अरुण जेटली स्टेडियम पर अब तक कोई भी मैच नहीं खेले, ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो रखना अदरवाइज छोड़ देना। फिर आएंगे यहाँ से रास्ती वेंडरडसन। देखो, अरुण जेटली स्टेडियम पर कोई मैच नहीं खेले, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 2 मैच में 1 रन। लेकिन अगर आप इस बंदे का T20 करियर देखोगे तो 34 मैच में 933 रन, 38 का एवरेज है, बहुत तगड़ा करियर है इसका। बहुत मतलब कम मैच में इसने बहुत ज़्यादा रन बना लिए हैं ऑलरेडी। और क्योंकि ना आपने देखा होगा वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें रास्ती वेंडरडसन की ने अपनी छाप छोड़ी थी, तो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है ये। बस इसको ना स्पिनर से बचना होगा क्योंकि स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा फंसता है। फिर आएंगे ऐसे एडन मार्करम। एडन मार्करम भाई अगर ओपन करता है तो इसको सीधा टीम में रख लेना, सोचना ही मत, क्योंकि ये ना स्पिन और फास्ट दोनों को अभी अच्छा खेलने लग गया। इंडिया के खिलाफ और ग्राउंड पर कोई मैच नहीं खेला है T20 में अब तक। 20 मैच में 588 रन, 39 का एवरेज, 5 विकेट है, कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेता है, नहीं तो बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है। और अगर ये टॉप 3 में खेलेगा तो इसको मैं टीम में बिल्कुल रखूंगा। टेम्बा बाउमा, इसने इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 76 रन किए हैं, हेड टू हेड में कोई भी और ग्राउंड पर कोई भी मैच अब तक नहीं खेला है। अगर टॉप ऑर्डर में खेलता है तो ट्राई करने का सोचना, अदरवाइज मत रखना इनको टीम में। डेविड मिलर, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 9 मैच 99 रन और इस ग्राउंड पर 11 मैच में 165 रन। लेकिन ध्यान रखना अभी का जो फॉर्म है डेविड मिलर का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करेगी तो डेविड मिलर इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ड्वेन प्रिटोरियस आएंगे यहाँ पर, इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 10 रन 0 विकेट है। अरुण जेटली पर कोई मैच नहीं खेले, T20 में 22 मैच में 170 रन 23 विकेट है। और ध्यान रखना पिछले कुछ मैच में ना ड्वेन प्रिटोरियस को साउथ अफ्रीका ने एज अ डेथ बॉलर यूज़ किया है, जबकि इनके पास रबाडा और नोकिया हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको डेथ बॉलर के रूप में यूज़ किया है। केशव महाराज आएंगे यहाँ पर, हेड टू हेड में और ग्राउंड पर कोई मैच नहीं खेले, T20 में 8 मैच में 6 विकेट है, GL में रख सकते हो। रबाडा, इंडिया के खिलाफ 4 मैच में 4 विकेट हैं, इस ग्राउंड पर 9 मैच में 12 विकेट हैं, इनका भी जो अभी का फॉर्म है वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तबरेज शमसी, इंडिया के खिलाफ 5 मैच में 4 विकेट हैं और T20 में 47 मैच में 57 विकेट हैं, इस ग्राउंड पर अब तक कोई भी मुकाबला नहीं खेले हैं। तबरेज शमसी का उतना अच्छा रिकॉर्ड मेरे को नहीं लगा, मतलब ठीक ठाक रिकॉर्ड है बोल सकते हैं।
एनरिक नोकिया इंडिया के खिलाफ एकमात्र मैच खेले हैं उसमें विकेट लेस है, जबकि T20 में 16 मैच में 18 विकेट है। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 रहेगी साउथ अफ्रीका की। इसमें से देखो अगर यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा ना जो मैंने बताया, तो फिर यहाँ से इनका ये टॉप थ्री इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके अलावा फिर मैं नीचे से यहाँ पर पिक करूँगा बॉलर्स। बॉलर्स में मैं यहाँ पर रखूँगा रवाड़ा, नोकिया, तबरेज शमसी, तीनों में से कोई दो रखूँगा। और अगर यहाँ पर चेंज होता है बैटिंग ऑर्डर में तो उस हिसाब से अपन प्लेयर बदलेंगे। रिकॉर्ड में आपको हर प्लेयर के बता ही रहा हूँ। बेंच में जो इनके प्लेयर हैं उनके भी अपन स्टैट डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी क्लासन इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 92 रन 30 का एवरेज है, जबकि इस ग्राउंड पर 1 मैच में 3 रन है। और यहाँ से डेविड मिलर तो ऊपर हो ही चुके हैं। लुंगी एंगडी T20 में 23 मैच में 36 विकेट है, डेथ के बहुत अच्छे बॉलर हैं, डेथ में विकेट निकालना इनको आता है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं है, इस ग्राउंड पर 3 मैच में 4 विकेट है। व्यान परनेल इंडिया के खिलाफ 4 मैच में 14 रन 2 विकेट है, इस ग्राउंड पर 4 मैच में 4 विकेट है। और ट्रिस्टन स्टब्स T20 में इसके नाम 19 मैच में 508 रन 33 का एवरेज, 1 विकेट है। अभी आपने देखा होगा मुंबई के लिए इन्होंने IPL में 2 मैच भी खेले थे, हालांकि उतने अच्छे मैच नहीं रहे थे। और मार्को येंसन के नाम T20 में 21 मैच में 80 रन 16 विकेट है। तो ये साउथ अफ्रीका की मेरे हिसाब से पूरा स्क्वाड है। इनकी तरफ से अगर जो प्लेइंग 11 में बताया वही रहेगा तो स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नोकिया और रबाड़ा, डेथ के ओवर डालेंगे रबाड़ा, प्रेटोरियस और नोकिया। तो बात हो गई साउथ अफ्रीका की टीम की। अब बात करेंगे इंडिया की टीम की। इंडिया की जो टीमें यहाँ से ओपन करेंगे गायकवाड़ और ईशान किशन। गायकवाड की बात करूँ तो हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेले हैं, T20 में 3 मैच में 39 रन है, जबकि अरुण जेटली स्टेडियम पर 2 मैच में 79 रन है। ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है गायकवाड़ का, चाहो तो पिक कर लेना। ईशान किशन हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेले हैं, T20 में 10 मैच में 289 रन है, और लेकिन इनका अरुण जेटली पर रिकॉर्ड बहुत गंदा है, 3 मैच 11 रन। तो इन दोनों बंदों को आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में मैं इन दोनों में से किसी एक को पिक करने वाला हूँ। श्रेष अय्यर हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच में 21 रन 21 का एवरेज है, इस ग्राउंड पर बहुत मैच खेले दिल्ली के लिए, 31 मैच में 870 रन है, जबकि T20 में 36 मैच में 809 रन है। इनको ना आते ही टीम बाउंसर लगाएगी, और अगर ये बाउंसर ट्रेस से बच गए तो ये जरूर रन बनाएंगे, अदरवाइज फंस जाते हैं ये। ऋषभ पंत की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ अय्यर जैसा ही है, 2 मैच में 23 रन है, लेकिन इनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना दिल्ली के इस ग्राउंड पर तो 30 मैच में 1074 रन है। और ये टीम के अभी कप्तान भी हैं क्योंकि KL राहुल अवेलेबल नहीं है और रोहित शर्मा इस सीरीज में रेस्ट पे हैं। T20 में 46 मैच में 683 रन है, थोड़ा रिकॉर्ड ख़राब है T20 में इनका। हार्दिक पांड्या का भाई अभी का फॉर्म बहुत अच्छा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच में 48 रन 5 विकेट है, जबकि इस ग्राउंड पर 8 मैच में 106 रन 21 का एवरेज, 3 विकेट है। दिनेश कार्तिक भी गजब के फॉर्म से आ रहे हैं, हालांकि पुराना रिकॉर्ड देखोगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच में 60 रन है, जबकि इस ग्राउंड पर 34 मैच में 774 रन है। फिर आएंगे यहाँ से अक्षर पटेल, T20 में 15 मैच में 78 रन 13 विकेट है, और हेड टू हेड में 3 मैच में 12 रन 1 विकेट है, जबकि इस ग्राउंड पर 11 मैच में 195 रन 10 विकेट है। ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है इनका, इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर आएंगे यहाँ से भुवनेश्वर कुमार, हेड टू हेड में 6 मैच में 8 विकेट हैं, अच्छा रिकॉर्ड है इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 8 मैच में 11 विकेट है। लोग इनको इग्नोर करेंगे लेकिन ट्रंप पिक बन सकते हैं आज। हर्षल पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच नहीं खेले, T20 में 8 मैच में 11 विकेट हैं, और इस ग्राउंड पर 16 मैच में 211 रन 20 विकेट है। ये भी डेथ के बहुत ही तगड़े बॉलर हैं यार। यूजी चहल हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है, ग्राउंड पर 8 मैच में 9 विकेट हैं, और T20 में 54 मैच में 68 विकेट है। आवेश खान भी हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेले, T20 में 2 मैच में 2 विकेट है, और ग्राउंड पर 8 मैच में 11 विकेट है। तो इंडिया का मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 रहने वाला है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। अभी के लिए मैं यहाँ पर ईशान किशन को रखूंगा, अय्यर को रखूंगा, पंत को रखूंगा, हार्दिक पंड्या को रखूंगा, नीचे से मैं हर्षल पटेल और यूजी चहल को रखूंगा। भुवनेश्वर कुमार या आवेश खान में से भी अगर आप चाहो तो किसी को पिक कर सकते हो। बेंच में जो प्लेयर उनकी बात करूँ तो दीपक हुडा है, T20 में 3 मैच में 21 रन 21 का एवरेज, 0 विकेट है, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेले, इस ग्राउंड पर 5 मैच में 89 रन 0 विकेट है। वेंकटेश अय्यर के नाम T20 में 9 मैच में 133 रन 5 विकेट है, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेले, जबकि ग्राउंड पर 3 मैच में 88 रन 3 विकेट है। रवि बिश्नोई के नाम अगर आप देखोगे T20 में 4 मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड में और ग्राउंड पर कोई मैच नहीं खेले। अर्शदीप सिंह और ने T20 जो डोमेस्टिक होते हैं IPL वगैरह के, वहाँ पर 49 मैच में 52 विकेट निकाले, और उमरान मलिक 22 मैच में 33 विकेट। इनके बारे में क्या बताऊँ यार, आपको IPL में सब पता है। स्टार्टिंग के ओर डालेंगे भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, डेथ के ओर डालेंगे हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, सारे डाटा आपको समझा दिया, बात कर लेते हैं डेमो टीम की। तो अभी के लिए टीम में मैंने रखा है देखो क्विंटन डिकॉक को रखा है, ऋषभ पंत को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन से,
बैटिंग सेक्शन से रखा है राशि वेंडर डशन, श्रेयस अय्यर, रीजा हैनरिक्स और ईशान किशन। ऑलराउंडर सेक्शन से रखें हार्दिक पांड्या। बॉलिंग सेक्शन से रखें यूजी चहल, रबाड़ा, हर्षल पटेल और तबरेज शमसी। तो ये मेरे 11 प्लेयर्स अभी के लिए रहेंगे। कैप्टन मेरे हार्दिक पांड्या है, वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वहीं पर आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।